मजा नहीं आ रहा तुम्हें नहीं हमें आओ नहीं आओ दो यहाँ तो उठाओ मुट्ठी बांधो उठाओ उठाओ सब जने जय जने पीछे तक बोलो बड़ा देव भगवान की देव भगवान की बड़ा देव भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हमारे ग्राम कड़ता में श्री बड़ा देव महाराज के स्थल से भव्य कलश यात्रा प्रारंभ होकर 5 मील पहुंच रही है और उस 5 मील जहां पर यह स्थान निश्चित किया गया है वहां पर भव्य वनवासी समागम का आयोजन हम सभी लोगों ने किया है जिसमें 25,000 से ज़्यादा वनवासी समुदाय के हमारे बंधु बांधव माताएं बहनें एकत्रित होंगी और एक भव्य कलश यात्रा भी वहीं पर आयोजित की गई है। उसके बाद सभी हमारे कार्यकर्ताओं का और वनवासी समुदाय का सहभोज वहाँ पर किया जा रहा है जिसमें लगभग 25,000 से ज़्यादा लोगों के भोजन होंगे। आप सभी लोग पधारें, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम सब भैया भार्गव जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। साथ में पधारे सागर जिले के कलेक्टर सम्मानीय दीपक मजा नहीं आ रहा तुम्हें नहीं हमें आओ नहीं आओ दो यहाँ तो उठाओ मुट्ठी बांधो उठाओ उठाओ सब जने जय जने पीछे तक बोलो बड़ा देव भगवान की देव भगवान की बड़ा देव भगवान की भगवान बिरसा मुंडा की भगवान बिरसा मुंडा की। आज भगवान बिरसा मुंडा के इस पावन जन्म जयंती समारोह में मंच पर विराजमान हम सबके चहेते एक पिता के रूप में इस विधानसभा के पालक इस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति के संरक्षक मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों के साथ साथ यहां पर उपस्थित प्रत्येक जनता जनार्दन की ओर से आपका हृदय से आभार इसलिए व्यक्त करता हूं कि पहली बार सागर जिले में नहीं सागर संभाग में हमारे वनवासी समाज को इतना ज्यादा मान देने का अगर किसी ने काम किया है तो भैया गोपाल भार्गव ने किया। नहीं तो हम सब जले तो सबके कार्यक्रम होते तो सब जले जाते तो अपन पहुंच जाते। पहली बार रहस्य मेला जैसो बड़ो कार्यक्रम और केवल अपनी आदिवासी समाज के लाने अलग से लाखों रुपया खर्च करके अगर कोई न करो है तो कौन न करो कौन न करो तुम्हारी ओर बताओ कौन न करो गोपाल भार्गव ने करो और कौन नहीं करो। कलश यात्रा में हमारी माताएं बहनें शामिल हुई 4 किलोमीटर लंबी कलश यात्रा थी अभी तक आती जा रही है खत्म नहीं हुई अभी तक आ रही ये देखो ये अभी तक हमारी माताएं कलश लेके आती जा रही है इतनी देर से मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा पहले शुरू भई थी और अभी तक चलत जा रही। इतना बड़ा कार्यक्रम सागर संभाग में अपनी आदिवासी स्वयं अपने हाथों से फूल हार पहनाकर सम्मान साल उड़ाकर उनको मान सम्मान प्रदान कर रहा है स्मृति चंद्र जी भैया दादा आपको भैया हेलो भैया समारोह मना रहे हैं आप सभी साथियों से बहुत से दीपू भैया की टीम के लोग भी खड़े हैं। अब चूंकि कुर्सियां नहीं आ पाई तो ऐसा